इतना है बस कि ये तारीख में लिखा हुआ है जो ज़माने में सरकारी तारीख थी औरंगज़ेब के ज़माने कि ये यहाँ मंदिर था, एक मंदिर था वो औरंगज़ेब ने गिराया, ये तारीखी तौर से साबित है। गिरवा के सर वहाँ मस्जिद बनी। अब ये 1670 में था जहाँ तक मुझे याद है, उसमें ये तो नहीं लिखा था कि मस्जिद बनवाई, लेकिन ये लिखा था कि मंदिर गिरा दिया। यही केशव राय के मंदिर के लिए कहा जाता है मथुरा में, उसने भी वो भी उसमें उसके अखबारात में भी मिलता है जो उसके दरबार के रिकॉर्ड होता था, और जो आलमगीर नामे भी हैं, केशव राय मंदिर उसने गिरवाया भी, बहुत बड़ा मंदिर था, वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के ज़माने में बनाया था, मुगली ज़माने में बना था। ये नहीं लिखा कि उसके ऊपर मस्जिद बनी थी, लेकिन मालूम यही होता है कि मस्जिद फिर वहाँ बनाई गई दोनों जगह, क्योंकि मस्जिदें पुरानी हैं मुग़ल ज़माने की। अब देखिए शिवलिंग है या नहीं है, ये तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये देख लीजिए कि इन्होंने जब मुकदमा अपील दायर की थी तो उसमें शिव जी का या शिवलिंग का कहीं जिक्र किया था, मेरे ख्याल में तो नहीं किया था। सर जो उन्होंने देवता दिए थे उसमें शायद शिव जी नहीं थे। तो ये भी पहले है कि भाई जो मंदिर होते हैं वो तो या तो वैष्णवाइट होते हैं या शैवाइट होते हैं, मिक्स मंदिर तो नहीं होते। इनका जिक्र है और भी तोड़े थे मंदिर, ये था कि जो नए बन मिले हैं उन्हें तोड़ दिया जाए, लेकिन वो कोई उस पर अमल नहीं हुआ। नहीं, गलत काम किया था उसे सही कौन कर, जैसे ये गलत काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने गलत तोड़ा। इनसे क्या मंशा थी इनकी, जो 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ दी वही मंशा उसकी। ये कि शिवजी का मंदिर था ये नहीं है जी जी, ये तो अब जब से वो शिवलिंग का मिला जब शिवजी का हो गया, वरना तो उन्होंने दूसरे देवताओं के नाम दिए थे। नहीं ये तो मुझे पता नहीं जी, हो सकता है। जब भी मस्जिद बनती है या पुराना मंदिर बनता है, आपको मालूम है कि बुद्ध विहारों के बहुत से पत्थर मंदिरों में मिलते जी, तो क्या उन्हें तोड़ दिया जाएगा मंदिरों को जी जी। ये तो बेवकूफ़ी की बात है, अगर ये माना जाए तो बहुत से बड़े मंदिर हिंदुओं के तो जाएंगे, क्योंकि उनमें विहार पत्थर इस्तेमाल। मुझे नहीं बात, मैं हिस्टोरियन हूँ। सवाल यह है कि कोई चीज़ जो 1670 में बन गई हो उसे आप तोड़ सकते हैं? इसको ये जो हिंदुस्तान का मॉन्यूमेंट्स एक्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं भाई होगा। तो इसमें मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इतने अगर मंदिरों में देखें तो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, बाबरी मस्जिद में खुद इस्तेमाल किए गए पत्थर मंदिरों के, बहुत सी मस्जिदें ऐसी होंगी जिनमें वही पत्थर पड़े हुए थे वो इस्तेमाल कर लिए, तो इसमें ऐसी क्या बात। तो जैसे मैं कह रहा हूँ अगर मंदिरों में तलाश किया जाए कि कितने विहारों के हैं तो बहुत से ऐसे मंदिर मिलेंगे बुद्धिस्ट विहारों। ये जो उसका राणा फूंक का एक बड़ा मीनार है चित्तौड़ में जी, उसके ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह 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 अरबी में, तो क्या वो मस्जिद हो गई? नीचे सब देवता हैं ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है तो मस्जिद हो गई। बेवकूफ़ी की बात है, आप वहाँ जाके चित्तौड़ का तो बहुत मशहूर है राणा कुंभ का मीनार है, वो ऊपर 5 मंजिल का है, ऊपर जो है वो अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है अरबी में, नीचे सब देवता है। तो मुसलमान कहेंगे कि ऐसे मस्जिद है हमें भी